गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है सेकंड डे और हम लोग अभी सुबह उठ गए हैं और ये है नज़ारा कुछ होटल का। अभी हम लोग चलते हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि कल से जो आए हैं ट्रैवलिंग करके ना, तो पूरा बॉडी टायर्ड हो गया अपना। नहा के हो गया है, अब चलते हैं रूम। रूम जाने से सब झूला झूल लेते हैं। बात ये है ना कि होटल बहुत ही अच्छा है, होटल अच्छा है, प्लस यहाँ का फैसिलिटी सब भी अच्छा है, साथ में पूल भी अच्छा है, सब सही है। हम लोग इस होटल को चेकआउट कर रहे हैं, अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। इस होटल का एक खास बात क्या है ना, यहाँ पे बच्चों के लिए झूला वाला लगा हुआ है, बच्चा यहाँ फन कर सकता है, कोई बच्चा देख सकते हैं। तुम क्या सकती है, हम 12 बजे रात में चेक इन किए। एज अ होटल यू हैव टू सर्व मी फूड, तुमने फूड सर्व किया? ऐसे होटल 12 बजे के बाद फूड सर्व नहीं होता है। क्या होगा भाई, पहले तो सुनो ना यार। रुक, देखो एक मेन्यू होता है, हम बता रहे थे 12 से पहले एक मेन्यू होता है, लेकिन 12 से बाद का एक ऑप्शन होता है कि अगर गेस्ट आपके पास आ रहा है भूखा है तो ऑप्शन वहां होता है। सर आप मुझे बता रहे हैं ऑप्शन वहां होता है जहां पे मेट्रो सिटी होता है। अब एक सच्चाई बताएं, इस होटल में नहीं रुकना है। होटल का नाम क्या है? यहाँ पे नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बेड पे जानते हैं, थोड़ा चाय गिर गया, ठीक है, तो उस बात का 1700 रुपये लिया है, मतलब सिर्फ चाय गिरने का। हल्का चादर में दाग लग गया, इस बार 1700। चादर कितने का आता होगा वही आपका, कम से कम नहीं भी आता होगा तो 600-700 का आता होगा, मगर ये लिया है 1700 रुपये। इसीलिए इस होटल में नहीं रुकना है। मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं वहां जाके। विदाउट मास्क एंट्री नहीं है मंदिर के अंदर, इसीलिए हम लोग मास्क ले लिए हैं। वैसे हम मास्क लेके आए थे मगर भूल गए गाड़ी में, तो इसीलिए खरीदना पड़ा, तो खरीद लिए हैं, बता के जा रहे हैं। लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, तो यहाँ पे हमारे जो पांडा है जो हमेशा पूजा करवाते हैं, उनका नाम श्रीकांत है, तो वो उनका इंतजार हो रहा है। और प्लस पट भी अभी बंद है, तो पट खुलने का टाइम है 2 बजे, तो इस टाइम खुलेगा फिर वहाँ पे पूजा करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
तो हम लोग का पूजा संपन्न हुआ, अब हम लोग निकल रहे हैं। पूजा करके निकल गए हैं और आए हैं लंच करने के लिए अभी उसी होटल में जिस होटल में कल हम लोग रात में डिनर किए हुए थे। बहुत लेट लतीफ है। पूजा हो गया, लंच हो गया, अब हम लोग जिस होटल को चेकआउट किए थे तो उस होटल में दोबारा नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब दूसरे होटल को चेक इन करने के लिए।